मैं आज आपको अयोध्या के राम जन्मभूमि पथ पर लेकर आई हूँ। मैं आपको आज राम जन्मभूमि पथ पर क्या क्या निर्माण कार्य हुए हैं, कैसे क्या क्या उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, ये सब मैं आपको आज अपने इस कड़ी में दिखाऊंगी। जो बुजुर्ग हैं, जो प्रभु रामलला का दर्शन करने आते हैं, वो चलने में असमर्थ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते, उनके लिए भी सुविधाएं की गई हैं। यहाँ आप इस राम जन्मभूमि पथ से आए हैं, पहले आपको लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, अब 500 मीटर पे ही आपको रामलला का दर्शन मिल जाता है। यहाँ की सुविधाएं कैसी लगी आपको? सुविधाएं बहुत अच्छी लगी मुझे। इस कॉरिडोर को के दोनों तरफ ये जो वाल बनाए गए हैं, जो दीवारें हैं, इस पे कितनी खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई है। आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, आपको फ़ोन कहाँ जमा करना है, आपको पर्स कहाँ जमा करना है, आप कैसे रामलला का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ये सब भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तही दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु, अर्थात जहाँ प्रभु श्री राम का निवास है वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वही दिन है। नमस्कार, मैं ज्योति और मैं आज आपको अयोध्या के राम जन्मभूमि पथ पर लेकर आई हूँ। ये राम जन्मभूमि पथ जहाँ पहले राम भक्त लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रभु अपने आराध्य प्रभु श्री रामलला का दर्शन करते थे, वहीं अब लगभग 500 मीटर चलकर ही उन्हें अपने प्रभु आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाते हैं। इस राम जन्मभूमि पथ को आप ध्यान से देखिए, ये राम जन्मभूमि पथ लगभग 39 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है। इसे श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इतना ही नहीं, मैं आपको राम जन्मभूमि पथ की ओर लेके चल रही हूँ। मैं आपको आज राम जन्मभूमि पथ पर क्या क्या निर्माण कार्य हुए हैं, कैसे अयोध्या में पहुँचने वाले राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन 500 मीटर की दूरी तय कर लेते हैं, कैसे क्या क्या उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, ये सब मैं आपको आज अपने इस कड़ी में दिखाऊंगी। इस राम जन्मभूमि पथ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको इस राम जन्मभूमि पथ की खूबसूरती दिखाती हूँ। यहाँ पर हर सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। देश दुनिया से असंख्य राम भक्त अयोध्या पहुँचते हैं और अपने आराध्य प्रभु श्री रामलला का दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि पथ पर भक्तों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने कई सुविधाएं भी की हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो राम भक्त हैं वो यहाँ पर एक राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा कार्यालय बनाया गया है, जिसमें तमाम तरीके की सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने अपना एक अस्थायी कार्यालय बनाया है। ये इनका एक अस्थायी कार्यालय है, जहाँ भक्त रामलला की आरती में शामिल होने के लिए पास बनवा सकते हैं, रामलला को निधि समर्पण भी कर सकते हैं। निधि समर्पण की भी व्यवस्था राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने कर रखी है। दान काउंटर की सुविधा है और इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है दान करने के बाद कंप्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त करें। मतलब दान करके ही आपको, अगर दान करना है यहाँ अयोध्या आप आए हैं प्रभु रामलला का दर्शन करने और आपको अपने आराध्य के लिए कुछ निधि दान करनी है, तो आप यहाँ पर आकर एकदम आराम से कर सकते हैं। राम जन्मभूमि पथ पर ही ये राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा बनाया गया अस्थायी कार्यालय है। हम आपको इसके अंदर लिए चलते हैं। इसमें तीर्थयात्री सेवा केंद्र है। आप अगर अयोध्या आते हैं और आपको भगवान रामलला की आरती में शामिल होना है, तो आप यहाँ पर इस अस्थायी कार्यालय में, जो राम जन्मभूमि तीर्थ सेंटर द्वारा बनाया गया है, यहाँ आकर आप लाइन में लगकर आरती पास बनवा सकते हैं और सुगम दर्शन के लिए भी आप पास बनवा सकते हैं, जिसका समय प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। और आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक अपना आधार कार्ड दिखाकर स्वयं एक सहयोगी का सुगम दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। 3 वर्ष तक के बच्चों को गोद में लेकर आने वाली माँ एक सहयोगी समेत सुगम दर्शन प्राप्त कर सकती है। बच्चे सहित माँ का फोटो पास काउंटर पर लिया जाएगा।
यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं जो प्रभु रामलला का दर्शन करने आते हैं वो चलने में असमर्थ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते, उनके लिए भी सुविधाएं की गई हैं, यहाँ से आप व्हीलचेयर प्राप्त कर सकते हैं। कितने सुगम तरीके से आप यहाँ पे एकदम आराम से लाइन में लगकर आरती का पास बनवा सकते हैं। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं जो चलने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए व्हीलचेयर की भी सुविधा है। अयोध्या आने वाले राम भक्त यहाँ पर बैठने की भी सुविधा है। आप यहाँ पर अगर आते हैं तो जो दर्शनार्थी हैं वो यहाँ बैठकर इंतज़ार भी करते हैं अपना समय आने का, अपनी बारी आने का, क्योंकि यहाँ पे आरती पास की सुविधा है, लॉकर की सुविधाएं हैं। मैं आपको आगे लिए चलती हूँ, इसी अस्थायी कार्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई है अयोध्या आने वाले राम भक्तों की सुविधाओं के लिए। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो काउंटर है, ये राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने यहाँ पर व्हीलचेयर की सुविधा कर रखी है। यहाँ पर आपको आकर के व्हीलचेयर प्राप्त कर सकते हैं। एक अपना आधार कार्ड दिखाना है, छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना है और आप यहाँ से व्हीलचेयर प्राप्त कर सकते हैं। इस राम जन्मभूमि पथ पर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने हर सुविधाओं का खास ख्याल रखा है। महिला और पुरुष प्रसाधन भी बने हुए हैं जो पूरी तरह से साफ सुथरे हैं, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा गया है। और यात्रियों के लिए, राम भक्तों के लिए बैठने की भी सुविधाएं की गई हैं। जो राम भक्त दर्शन करने के लौटते हैं या फिर जो राम भक्त दर्शन करने जा रहे हैं, जिन्हें व्हीलचेयर की आवश्यकता है, जिन्हें आरती पास की आवश्यकता है, वो यहाँ पे बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और उन्हें यहाँ पर धूप छाँ से बचने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, सुविधाएं दी गई हैं। कहाँ से आए हैं? दुपहरिया से आए। अयोध्या पहली बार आए? जी पहली। कैसी लगी अयोध्या? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। आप इस राम जन्मभूमि पथ से आए हैं, पहले आपको लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, अब 500 मीटर पे ही आपको रामलला का दर्शन मिल जाता है। यहाँ की सुविधाएं कैसी लगी आपको? सुविधाएं बहुत अच्छी लगी मुझे, किसी तरीके का कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अस्थायी कार्यालय से आगे की ओर लिए चलती हूँ। राम जन्मभूमि पथ से आगे की ओर चलेंगे और इस राम जन्मभूमि पथ की खूबसूरती आपको दिखाती हूँ। कितना अद्भुत और अलौकिक इस राम जन्मभूमि पथ को बनाया गया है। ये जो कॉरिडोर है ये सीधा आपको प्रभु रामलला के मंदिर से जोड़ता है। आप इसकी खूबसूरती देखिए, इस कॉरिडोर को के दोनों तरफ ये जो वाल बनाए गए हैं, जो दीवारें हैं, इस पे कितनी खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई है। इस तरफ से जो राम भक्त हैं राम जन्मभूमि पथ के, इस साइड से दर्शन करके वापस लौटते हैं और दूसरी तरफ से ये जो आपको बैरिकेडिंग दिख रहा होगा, यहाँ से लाइन लगती है। यहाँ से राम भक्त जो है अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए लाइन में लगकर जाते हैं। जो बुजुर्ग राम भक्त अयोध्या पहुँचते हैं उनके लिए व्हीलचेयर की सुविधा की गई है। इसी लाइन से हम भी चलते हैं और आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं। देश दुनिया से पहुंचे राम भक्त इसी लाइन से लग के अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए आगे जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, इस पे लाइन में लगकर राम भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम लाइन में लगे लगे ही
आधी दूरी जो है ये राम जन्मभूमि पथ की हमने तय कर ली है। अब आप सामने देख पा रहे होंगे अमावा मंदिर की शिखा दिख रही है। अब हम राम जन्मभूमि के एकदम पास में हैं। अब मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगी कि अगर आप रामलला का दर्शन करने आते हैं और राम जन्मभूमि पथ से जब रामलला का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पर आने में क्या क्या करना होगा, मतलब आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, आपको फ़ोन कहाँ जमा करना है, आपको पर्स कहाँ जमा करना है, आप कैसे रामलला का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ये सब भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। तो हम आगे की ओर चलते हैं। हमने लगभग जो ये 500 मीटर की दूरी है जो राम जन्मभूमि पथ की, इसको हमने पूरा कर लिया है। सामने आप देख रहे होंगे कि राम मंदिर का जो शिखा है वो हमें दिख रही है, निर्माण कार्य अभी चल रहा है। क्या नाम है? मेरा विश्व सिंह। कहाँ से आए हैं? कोलकाता से। कैसे लगी अयोध्या? क्या आपने दर्शन किया अभी राम मंदिर? नहीं, अभी तक नहीं किया, पहला बार आए हैं। अयोध्या पहली बार आए हैं? पहली बार। कितनी पतली अयोध्या, कैसी लगी अयोध्या? अभी तक तो देखा है, टीवी पे देखा है, बचपन में किताबों में पढ़ा था। श्री रामचंद्र जी आए थे, दिवाली मनाते हैं उनके लिए, उनका याद में, यही सब। मन में एक धार्मिक प्रभाव है, बचपन से उनके बारे में सुना है, पढ़े हैं किताबों में, हम लोग का सब्जेक्ट भी था। अंकल, आप यहाँ से प्रवेश किए, आपको यहाँ की सुविधाएं कैसी लगी, कैसी तरीके? ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब हम राम मंदिर के एकदम करीब पहुँच चुके हैं। यही राम जन्मभूमि पथ पर यहाँ पर देखिए चार्जिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं, निःशुल्क चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पर आप बैठ के अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। निःशुल्क जो है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से प्रसाधन बनाए गए हैं, बैठने की भी सुविधा है और धूप और वर्षा से बचने के लिए भी सुविधाएं की गई हैं। राम जन्मभूमि के एकदम करीब हम आ चुके हैं। इसके आगे फोन ले जाने की अनुमति नहीं है, कैमरा अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपको यहीं तक की तस्वीरें दिखाऊंगी। आप राम जन्मभूमि पथ से जब एकदम मंदिर के प्रवेश द्वार के करीब पहुंचते हैं, ये रहा आपको जब दर्शन करने जाना होगा, यहीं से आपको प्रवेश मिलेगा। यहाँ से ये चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, लाइन से महिला और पुरुष की लाइन बनी हुई है, महिलाएं अलग और पुरुष अलग, यहाँ से चेकिंग कराते हैं और चेकिंग करा करके ही रामलला का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप जब आएंगे तो अपने बैग की, आपके पास जो भी सामान है उन सारी चीज़ों की यहाँ पे चेकिंग होगी। यहीं के बाद से ही आपका फ़ोन जो है यहाँ के लॉकर में जमा करा दिया जाएगा, उसके बाद आपको रामलला के दरबार में प्रवेश मिलेगा। इससे आगे कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ तक की ही तस्वीरें दिखा रही हूँ। आपका? मेरा फरीदपुर। कहाँ से आई हैं? हाँ, कलकत्ता से। कैसी लगी अयोध्या? अभी तो दर्शन करेंगे तब बता। आप राम जन्मभूमि पथ से आई, कैसा लगा राम जन्मभूमि पथ? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्लीन है। या माय नेम इज विग्नेश। कहाँ से? सो वी आर कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु। कैसी लगी अयोध्या? या इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, सो दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग हियर आफ्टर लॉन्ग बाय, सो इट्स वेरी नाइस फीलिंग। नाम है आपका, कहाँ से है? या आई एम जलगंधेश्वरन फ्रॉम तमिलनाडु। कैसी लगी अयोध्या? सॉरी, I was very excited to see the Ayodhi after 550 years, my Jai Shri Ram. So I've been very glad to convey my thanks, all my regards to Modi ji. Ram Janmabhoomi Path par hi Ram Janmabhoomi Tirth Trust ne Ayodhya aane wale Ram bhakton ke liye aspatal ki bhi suvidha ki hai. Ye Shri Satya Sai Sanjeevani Hospital hai जो कि अयोध्या आने वाले राम भक्तों के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है। मैं आपको इसके अंदर लिए चलती हूँ। अयोध्या आने वाला राम भक्त इस
अस्पताल में निःशुल्क सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। अगर अयोध्या आने वाले राम भक्त की किसी भी तरह से उन्हें कोई असुविधा होती है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है, तो यहाँ पर आपको निःशुल्क जो है सेवा प्राप्त होगी, यहाँ पर आपको निःशुल्क दवाएं उपलब्ध होंगी। ये ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है, साफ सफाई का ख्याल रखा गया है। मैं आपको अस्पताल की तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ पे साफ सफाई का ख्याल रखा गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा बनाए गए इस अस्पताल में निःशुल्क सुविधाएं हैं। ये अस्पताल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद हैं। तो मैंने आपको राम जन्मभूमि पथ दिखाया कि कैसे आप जब अयोध्या पहुंचते हैं, पहले आप 1 किलोमीटर की दूरी तय करते थे अपने आराध्य प्रभु रामलला का दर्शन करने के लिए, लेकिन अब राम पथ से ही सटा हुआ राम जन्मभूमि पथ बनाया गया है, जिससे आप 500 मीटर की दूरी तय करके अपने रामलला का दर्शन कर सकते हैं। मैंने आपको राम जन्मभूमि पथ पर मिलने वाली राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा हर सुविधाओं को आपको दिखाने का प्रयास किया। मिलते हैं अगली कड़ी में। जय श्री राम।